नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर हमारे YouTube चैनल में आप लोगों का हार्दिक स्वागत है। लेटेस्ट अपडेट निकल कर आई है कि 1 करोड़ से ज़्यादा केंद्रीय कर्मचारी और पेंशन भोगियों के लिए आ गई अच्छी खबर। केंद्रीय कर्मचारियों की हुई बल्ले बल्ले, सरकार ने किया बड़ा ऐलान। पहली बार एक साथ 6 भत्तों में हुआ बड़ा संशोधन। तो दोस्तों, हम आपको सब डिटेल में बताएंगे कि केंद्रीय कर्मचारियों को एक साथ कौन कौन से बड़े भत्तों का लाभ मिलना शुरू हो गया। अगर आप हमारे चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो चैनल को लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन को भी बजा दीजिए ताकि गवर्नमेंट या पेंशन से संबंधित जितने भी न्यूज आती है उनकी नोटिफिकेशन आप लोगों के पास तुरंत पहुँच के। तो करते हैं वीडियो को स्टार्ट बिना किसी देरी के। दोस्तों, सरकारी कर्मचारी और पेंशन भोगियों के लिए आ गई है अच्छी खबर। केंद्र सरकार ने 6 बुनियादी भत्तों में संशोधन किया है। केंद्र सरकार के कर्मचारियों को आवास, परिवहन, शिक्षा, स्वास्थ्य, यात्रा खर्चों सहित अन्य खर्चों को कवर करने के लिए विभिन्न भत्ते मिलते हैं। अपने 2016 के मूल्यांकन और सिफारिश के अनुसार 7वें वेतन आयोग ने केंद्र सरकार के कर्मचारियों के साथ साथ रेलवे, नागरिक सुरक्षा, रक्षा कर्मचारियों को प्रदान किए जाने वाले सभी लाभों की समीक्षा की है। यहाँ केंद्र सरकार के जो समीक्षा किए गए 6 भत्ते हैं वो बाल शिक्षा भत्ता, जोखिम भत्ता, रात्रि ड्यूटी भत्ता, ओवरटाइम भत्ता, संसदीय सहायकों को दिया जाने वाला विशेष भत्ता, विकलांग महिलाओं के लिए विशेष बाल भत्तों को शामिल किया गया है। दोस्तों, बाल सहायता की कई महत्वपूर्ण विशेषताएं हैं। इसका दावा 2 सबसे बड़े जीवित बच्चों के लिए किया जाता है, जिसमें प्रति माह 6,750 रुपये छात्रावास सब्सिडी शामिल की गई। सरकारी कर्मचारी के विकलांग बच्चे 4,500 रुपये प्रति माह की सामान्य CEA दर को दुगुना करने का हक दिया। सरकार द्वारा अपनाई गई KPK की सिफारिश 7वें वेतन आयोग के अनुसार OTD के संबंध में कुछ निर्णय लिए गए। मंत्रालय और विभागों को ऑपरेशनल स्टाफ के रूप में वर्गीकृत कर्मचारियों की एक सूची तैयार करने का निर्देश दिए, जिसमें ओवरटाइम भत्ते भी वृद्धि नहीं मिली। साथ में 7वें वेतन आयोग के सिफारिश के आधार पर सरकार ने निर्णय किया कि जोखिम भत्तों में भी संशोधन किया जाए। रात्रि ड्यूटी के भत्तों में भी संशोधन किया गया। NDA पात्र के लिए मूल वेतन सीमा 43,600 रुपये प्रतिमाह रख दी गई। विकलांग महिला और बच्चों की देखभाल के लिए विशेष सहायता भत्ता, जो महिलाओं को जन्म से 2 बच्चों की आयु तक विशेष बाल देखभाल भत्ते के रूप में 3,000 रुपये प्रतिमा मिलेंगे। संसदीय सहायकों को दिए जाने वाले विशेष भत्ते में भी बढ़ोतरी की गई। संसदीय सहायक कार्य करने वाले व्यक्तियों के लिए विशेष भत्ते की राशि मौजूदा 70% से 50% बढ़ा दी गई है। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।